नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। दोस्तों आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेड के बारे में कि किस तरह से हमारा हेड होता है, कौन कौन से उसके फंक्शन होते हैं, क्या क्या उसमें बोन्स होती हैं और कौन कौन सी उसमें मसल्स होती हैं। देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन है हमारे ह्यूमन हेड के। ह्यूमन हेड में हमारे सिर में हमें क्या क्या मिल जाता है। कुछ बोन्स मिल जाती है, कुछ आई सॉकेट मिल जाती है, ओरल कैविटी मिल जाती है, अंदर में इस जॉ की हड्डियाँ मिल जाती हैं, कान की हड्डी मिल जाती है, सब कुछ हमारे इस हेड के अंदर होता है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। इसमें क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हमारे ब्रेन को, ह्यूमन हेड। ठीक है, जो हमारी बोनी आई सॉकेट होती हैं, ये जो आप देख रहे होंगे जिसके अंदर हमारी आईज फिट हैं, उसको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है थोड़ी बहुत इंजरी से प्रोटेक्ट कराने के साथ साथ ये हमारी आईज़ को, इसके अंदर मसल्स जो होती हैं वो हमारी आईज़ को मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। जैसे कि हम इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी देख रहे होते हैं, तो ये सब मूवमेंट हमारी मसल्स के कारण होता है। और आ जाते हैं हमारे यहाँ पर टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन क्या करती है, हमारा जो डेलिकेट ईयर होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। हमारे फेस और स्कल्स में कुछ होते हैं साइनस, जो क्या करते हैं, रेजोनेंस प्रोवाइड कराते हैं हमें साउंड को। और जो अभी हम बोल रहे हैं, चबा रहे हैं, ये मसल्स का काम हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो मैंडिबल है, ये क्या करता है, खाने को चबाने का काम करता है। जब भी हम चबाते हैं, जो क्या करता है, हमें खाने को चबाने में हेल्प करता है। किसकी मदद से, यहाँ पर उसकी मसल्स वगैरह अटैच होती है, जिससे क्या करते हैं, हम खाने को चबा सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। साथ में हमारा यहाँ पे नेजल बोन है, जो क्या करती है, हमारे पेटेंसी बनाती है, एयर पैसेज को क्लियर रखती है। अगर ये बोन ना होती तो हमारा नाक एकदम ऐसे हो जाता है। बोन मसल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि एयर पैसेज ईजिली होता है और हम आसानी से सांस ले सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं हमारे क्रेनियम के, हमारे स्कल्स के, हमारे ह्यूमन हेड के। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी बोन होती है, कौन कौन सी मसल्स होती है और देखते हैं किस तरह से ये हमारी बॉडी में अटैच होते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों, इस एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ह्यूमन हेड में मसल्स और बोन अटैच रहती है। इसमें रेड कलर में सभी मसल्स को शो किया गया है। तो जब भी मैं किसी मसल्स को क्लिक करता हूँ, स्पेशल मसल्स को जो भी मैं आपको बताऊँगा उसको क्लिक करूँगा, तो वो थोड़ा सा डार्क रेड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें कलर डिफरेंशिएशन करना है और समझने की कोशिश करना है जो भी मसल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन सी मसल है। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं मसल्स से और देखते हैं कि ह्यूमन हेड में कौन कौन सी मसल्स होती हैं। तो जो भी ये रेड पोर्शन है वो सब हमारे मसल्स हैं। तो ये हमारा फ्रंटलिस जो मसल्स है, अभी जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये डार्क रेड हो चुकी है। तो ये है हमारी फ्रंटलिस मसल्स जो फ्रंटल बोन को कवर कर रही है। इसके बाद हमें मिल जाती है टेम्पोरो पैराइटलिस मसल्स। अभी ये देखेंगे टेम्पोरो पैराइटलिस मसल्स। उसके बाद हमें मिल जाती है टेम्पोरलिस मसल्स और मिल जाती है साथ में ऑरिकुलरिस एंटीरियर और ऑरिकुलरिस सुपीरियर मसल्स। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कहां पर अटैच है। ये जो टेम्पोरलिस मसल्स आप देख रहे होंगे, ये तीनों जो अभी ब्लिंक कर रही है, जिसमें मैं क्लिक करता हूं, तीनों एकदम रेड हो जाती हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है च्यूइंग करने का, या फिर च्यूइंग मसल्स होती हैं ये, जो ग्राइंडिंग और च्यूइंग में हेल्प करती है, इसमें क्रशिंग करने में भी हेल्प करती है। ये देखिए, अब मैंने टेम्पोरो पैराइटलिस, ऑरिकुलरिस सुपीरियर, ये सब मसल्स आपको यहाँ पर दिखाई है, और ऑरिकुलरिस एंटीरियर। ठीक है, दोनों साइड में ये मसल्स हमें मिलेगी। ऑरिकुलरिस एंटीरियर का काम क्या है, फुल ईयर फॉरवर्ड करने का, और ऑरिकुलरिस सुपीरियर मसल्स का काम है फुल ईयर अपवर्ड। तो कुछ खास लोगों पर यह मसल्स होती है जो अच्छी तरह से फंक्शन करती है, वो अपने कान को ऊपर की तरफ आगे की तरफ हिला सकते हैं। इसके बाद हमें मसल्स मिल जाती है एक ऑर्बिकुलरिस ओक्युलाई, जो कि आई मूवमेंट पे हेल्प करती है, इसी की मदद से हम पलकों को झपका सकते हैं, आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। इसके बाद मिल जाती है हमें जाइगोमैटिक बोन पे जाइगोमैटिकस माइनर, जो कि क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का काम करती है, आप देख रहे होंगे इसको, जाइगोमैटिकस माइनर को। इसके बाद हम देखते हैं लेविएटर लेबी सुपीरियर, जो भी ये भी इसका फंक्शन है फेशियल एक्सप्रेशन का। उसके बाद आता है हमारे पास नेजल इस, नेजल बोन को कवर करती है।
तो आपने देखी लेविएटर लेबिस सुपीरियर और नेजलिस और जाइगोमेटिकस मेजर और माइनर। इसके बाद आती है हमारे पास प्रोसीरस। प्रोसीरस का क्या काम होता है? एक्सप्रेशन ऑफ फ्रोनिंग। इसके बाद हमें देखने के लिए मिल जाती है डिप्रेसर सुपरसिलाई और कोरुगेटर सुपरसिलाई। डिप्रेसर सुपरसिलाई का फंक्शन है डिप्रेशन ऑफ आईब्रो और कोरुगेटर सुपरसिलाई का फंक्शन है रिंकल्स इन फोरहेड। अभी आपने देखा था जाइगोमेटिकस माइनर, अब आप देखेंगे जाइगोमेटिकस मेजर और लेविएटर एंगुलाई ऑरियस, जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए हमें मिलती है और फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करती है। जाइगोमेटिकस माइनर के ठीक नीचे लेविएटर एंगुलाई ऑरियस हमें देखने के लिए मिल जाती है छोटी सी मसल्स। इसके बाद हमें मिल जाती है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स, जिसका फंक्शन है कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माउथ एंड लिप्स एंड इट कॉमनली नोन एज द किसिंग मसल्स। ट्रम्पेट बजाने में, मुंह बंद करने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है हमारे पास डिप्रेसर एंगुली ऑरियस, इट डिप्रेसेस द एंगल ऑफ द माउथ। उसके बाद हमें दिख जाती है हमें रेसिसर एंड बकिनेटर। रेसिसर का फंक्शन क्या है? ये फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करती है और बकिनेटर का काम क्या है? ब्लोइंग में हेल्प करती है। इसके बाद आ जाता है प्लेटिस्मा, इट इज़ अ बाउंड ऑफ टिश्यूज मोस्टली फाउंड इन चेस्ट नेक एंड फेशियल रीजन। तो ये है हमारा प्लेटिस्मा। और मसल्स होती है हमारे क्या? मैसेटर होती है जो कि च्यूइंग में हेल्प करती है, मैंडिबल हमारी बोन्स दिख रही है इसमें, और डिप्रेसर लेबी इन्फ्रा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से ह्यूमन हेड में मसल्स कवर करके रखती है ह्यूमन हेड को। तो अधिक जानकारी के लिए आप बुक्स को ज़रूर रेफर कीजिएगा, जिससे कि आप इसके बारे में डीप नॉलेज ले सकें। तो चलिए अब बात करते हैं बोन्स की। तो दोस्तों ह्यूमन हेड या फिर हमारा स्कल्स डिवाइड होता है दो पार्ट में, पहला क्रेनियम और दूसरा फेस। क्रेनियम बना होता है फ्लैट और इरेगुलर बोन से। हमारा क्रेनियम का फंक्शन होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। इसमें एक बेस होता है और एक वॉल्ट होता है। बेस वो होता है जिसके ऊपर रहता है हमारा ब्रेन या फिर हमारा दिमाग, और जो वॉल्ट होता है उसे चारों तरफ से कवर करके रखता है। हमारे बोन में होते हैं बहुत सारे परफोरेशन, जैसे कि फोरामेन और फिशर्स, जिससे क्या होता है नर्व्स और ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पास होती हैं। तो दोस्तों हमारे क्रेनियम में कौन कौन सी बोन होती है देखते हैं। क्रेनियम में होती है हमारे एक फ्रंटल बोन, दो टेम्पोरल बोन, दो पैराटल बोन, एक ऑक्सीपिटल बोन, एक स्फेनॉइड बोन और एक एथिमॉइड बोन। बात करते हैं हमारे फेस की, तो हमारे फेस में मिल जाती है हमें दो जाइगोमेटिक बोन, जिसे कि हम चीक बोन बोलते हैं। एक मैक्सिला होता है, दो नेजल बोन होती है, दो लैक्रिमल बोन होती है, एक वोमर होती है, दो पैलेटाइन बोन होती है, दो इन्फीरियर कॉन्के होते हैं और एक मैंडिबल होती है। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो सामने की तरफ डार्क येलो कलर में हमें देखने के लिए मिल जाती है फ्रंटल बोन, जो कि आप कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। उसके बगल में आएगा फिर टेम्पोरल बोन, जो कि कान के पीछे हमें देखने के लिए मिल रहा है इस एनिमेशन में, और जो ये उसके साथ में अटैच्ड है वो है हमारा जाइगोमेटिक बोन, जैसे कि हम बोलते हैं चीक बोन। आप देख रहे होंगे ये टेम्पोरल बोन है और उसके बाद यहाँ पर जो ये अटैच है जाइगोमेटिक बोन हमें देखने के लिए मिल जाती है। जाइगोमेटिक बोन से अटैच होती है हमारा स्फेनॉइड बोन, जो कि हमारा ऑर्बिटल कैविटी के ठीक पीछे का एरिया है। आप देख रहे होंगे ये जो स्फेनॉइड बोन अभी दिख रहा है आंखों के पीछे का जो बोन है वो स्फेनॉइड बोन है, ठीक है। उसके बाद आता है स्फेनॉइड बोन से अटैच होती है हमारा एथिमॉइड बोन, और उसके आगे होगी हमारा लैक्रिमल बोन, और उसके आगे ये देखिए आप स्फेनॉइड बोन के ठीक आगे हमारा हो गया एथिमॉइड बोन। ये हमारी है मैक्सिला, जो कि कुछ इस तरह से एथिमॉइड बोन के आगे आएगा हमारा लैक्रिमल बोन, और लैक्रिमल बोन अटैच होगा हमारा नेजल बोन से और इससे मैक्सिला से। ये जो मैक्सिला है इसके ठीक नीचे पे होगा हमारा लैक्रिमल बोन, और ये हमारा है नेजल बोन, जो कि आप कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। मैक्सिला के ठीक नीचे होगा हमारा क्या? मैंडिबल। ये हमारा फ्रंटल बोन दिख रहा है हमें, ये हमारा टेम्पोरल बोन हो गई। ये जो लाइनिंग दिख रही है उन्हें बोलते हैं हम सूचर। ये दिख रहा है आपको लाइनिंग, तो इसको बोला जाता है सूचर। सूचर क्या होते हैं? कनेक्टर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं सूचर। और फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो भी सूचर होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्नल सूचर, ठीक है। अब दो पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर होगा?
उसको बोलते हैं सजाइटल सूचर, दो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर है उसको बोलेंगे सजाइटल सूचर। अब नेक्स्ट है पैराइटल और ऑक्सिपिटल बोन के बीच में होने वाला सूचर। पैराइटल और ऑक्सिपिटल बोन के बीच में होता है हमारा लैम्बडॉइड सूचर। देखिए आप ये जो लाइनिंग है इसको बोलेंगे लैम्बडॉइड सूचर, जो कि पैराइटल और ऑक्सिपिटल बोन के बीच में हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर आता है, उसे कहते हैं हम स्क्वामोसल सूचर, जो कि हमारा टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में होती है। जो लाइनिंग आप देख रहे हैं दोनों के बीच में उसको बोलेंगे हम स्क्वामोसल सूचर। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से फाइब्रस जॉइंट हमें स्कल में देखने के लिए मिल जाता है, जो क्या क्या है, कॉर्नल है, लैम्बडॉइड है, ऑक्सिपिटल मस्टर्ड है, स्क्वामोसल है, फ्रंटल है और सजाइटल सूचर है, जाइगोमैटिको टेम्पोरल है। तो और भी बहुत कुछ सूचर होते हैं जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो और भी हैं, तो उसके लिए आप बुक्स को जरूर रेफर कीजिएगा। तो एक बार देख लेते हैं हम, फिर से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है मैंडिबल, ये जो एक स्कल की मूवेबल बोन है, सिर्फ एक ही बोन है जो मूव कर सकती है स्कल की, कुछ इस तरह से हमें मैंडिबल देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन, इन दोनों के बीच में कौन सा सूचर था, इसमें था कॉर्नल सूचर। उसके बाद पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में जो सूचर था वो था स्क्वामोसल सूचर। उसके ऑक्सिपिटल और पैराइटल बोन के बीच में था लैम्बडॉइड सूचर। टेम्पोरल और ऑक्सिपिटल के बीच में कौन सा सूचर होगा, वो होता है ऑक्सिपिटोमास्टाइड सूचर। टेम्पोरल और ऑक्सिपिटल बोन के बीच में ऑक्सिपिटोमास्टाइड सूचर। टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर, स्क्वामोसल सूचर। ऑक्सिपिट और पैराइटल के बीच में कौन सा सूचर, लैम्बडॉइड सूचर, और यह है कॉर्नल सूचर जो दो पैराइटल बोन के बीच में है। तो एक बार फिर से स्कल की बोन्स देख लेते हैं हम, कौन कौन से हमें देखने के लिए मिल जाती है। हमारा मैक्सिला, ये मैंडिबल आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर मिल जाएगी हमको मैक्सिला, नीचे मैंडिबल, जाइगोमैटिक बोन, स्फेनॉइड बोन हमें मिल जाती है देखने के लिए। आप देख रहे होंगे आंखों के पीछे का एरिया जो भी है वो स्फेनॉइड बोन से कवर है, और नेजल बोन, कुछ इस तरह से ये सब हमें बोन देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये था ह्यूमन हेड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। थोड़ा सा बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा डीप नॉलेज मिल जाएगा आपको, लेकिन ये एक ब्रीफ नॉलेज था किस तरह से हमारा ये जो सूचर्स होते हैं, हमारा जो हेड होता है, किस तरह से एक दूसरे से बोन्स जुड़ी होती हैं, कौन कौन से बोन्स कहाँ पर होती है, किस तरह से ये फंक्शन करती हैं और क्या क्या इनके काम होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि हमारा हेड किस तरह से होता है, कौन कौन से उसमें सूचर होते हैं और किस तरह से इसके फंक्शन होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।